हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यूपी नीट 23 के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो रहे हैं उसमें दो बहुत बड़ी समस्याएं स्टूडेंट के साथ आ रही हैं, जिसको लेकर यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब अपडेट आ गया है। क्या है वो अपडेट, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और आपने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए और वो वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपके रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर फिजिकली वेरीफाई भी करवा सकते हैं अपने नोडल सेंटर पर, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अब अपडेट आ गया, आप जाकर यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उसमें लिखी गई है वो ये कि अगर आपने गलती से वहां पर, जैसे कि आपसे एक एडिशनल बायोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है, आपने सिंगल बायो से कोई 12th पास किया है, ऐसे ऑप्शन में अगर यस कर दिया है, मतलब अगर आपने गलती से यस कर दिया है और वहां पर आपसे अलग से बायो की मार्कशीट अगर मांगी जा रही है, तो उसमें भी आप अपने 12th का रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। और ये ऑफिशियल जो है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन अभी आया है यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं अपने टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपसे कोई और गलती हुई है तो ये वीडियो मैंने बनाकर आपके लिए यूट्यूब पर डाला है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।